हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं एक कोल्ड सैंडविच लेके आया हूँ। तो आप बोलोगे यार कोल्ड सैंडविच क्या है, विंटर्स में कोई सूप बता, कोई ऐसी रेसिपी बता जो विंटर्स में खाने का मज़ा आए, पराठे बता, ज़रूर बताएंगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल जल्द से जल्द ऐसी ऐसी रेसिपीज आने वाली है जो आपको भी पसंद आएगी विंटर्स में स्पेशली। तो ये कोल्ड सैंडविच है जो जिसके पास टाइम नहीं है, फटाफट से बनने वाला ये ऐसी रेसिपी है जो आप सभी को पसंद आएगी। फटाफट से मिनटों में बनती है ये रेसिपी, और बहुत से लोग ये आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये कोल्ड सैंडविच जिसे कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं कोल्ड सैंडविच। चलिए, तो यहाँ कुछ वेजिटेबल्स ये होंगे जैसे कि कैरेट, बिल्कुल फाइन जूलियन यूज़ करना होगा हमें, कैबेज, पत्ता गोभी और कैप्सिकम, बिल्कुल फाइन जूलियन में हमने कटना को कट करके रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ एक तरफ इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए एक बाउल चाहिए होगा, तो इस बाउल में ऐड कर देना होगा ये सारी वेजिटेबल जो मैंने बिल्कुल फाइन जूलियन में कट करके रखी हुई है। और इसको डाल के इसमें सॉल्ट, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें, और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वेज मेयोनीज जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, वेज मेयोनीज करीबन 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड करना होगा। और वेज मेयोनीज के साथ ही ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। नॉनवेज बेसिकली इसमें यूज़ होती है, नॉनवेज मेयोनीज जो ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं, बट मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो सारे वेज हैं, वेजिटेरियन हैं, वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है वेज मेयोनीज जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। और यहाँ एक तरफ मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के जितने भी साइड्स हैं उनको कट कर लेना होगा, और ये ब्रेड नाइफ मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, ब्रेड नाइफ से काटें, क्योंकि ये ब्रेड नाइफ तो नहीं है बट ये ब्रेड नाइफ का हल्का हल्का छोटा वर्जन में नाइफ है। और इसके जो साइड्स हैं सारे कट कर लेने होंगे, क्योंकि हमें साइड्स बिल्कुल नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। जो इसके साइड्स हैं उसको हम ब्रेड क्रम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारी ब्रेड्स करीबन इसमें 3 सैंडविच इस तरीके से मैंने बनाए थे, और हर एक ब्रेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देना होगा जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, और ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस और रख देनी होगी। इसी तरीके से जितने आपके सैंडविचेस बन सकते हैं उतने आप बनाइए, मैक्सिमम इतने फिलिंग में 3 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन होगा उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।